हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल नंबर 9 की चर्चा करेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक की। हमने पिछले वीडियो में प्रतिलोम फलन पर आधारित दो एग्जाम्पलों की चर्चा की थी। वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल, क्योंकि वो एक एक नंबर के वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये एग्जाम्पल भी मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो देखो, इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझो। यदि एफ आर से आर एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3+2 हो तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक के आच्छादक फलन है, और साथ में हमें फलन एफ का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। अब देखो, यहां पर एक शब्द है एक के आच्छादक, तो हमें पहले एक के फलन एक के क्या होता है और आच्छादक फलन क्या होता है, यह हमने 11th क्लास में चर्चा की थी। इसकी एक के फलन किसे कहते हैं? एक ऐसा फलन, ऐसा फंक्शन जिसकी एक फलन है f और वो a से b में डिफाइन है। अब ये फलन f एक की फलन कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब इस सेट a के प्रत्येक एलिमेंट की एक एक इमेज सेट b में उपलब्ध हो, तब फलन f एक की कहलाएगा, ठीक है। और आच्छादक कब कहलाएगा? ये फलन f आच्छादक कब कहलाएगा? कब कहलाएगा आच्छादक? जब सेट b के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में मौजूद हो, तब आपका फलन एफ क्या कहलाएगा? आच्छादक हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इन दोनों को एक साथ सिद्ध करना है, तब इस फलन को हम क्या बता देंगे? एक एक की आच्छादक। कैसे करेंगे सिद्ध? अब देखो इस बात को, पहले हम इसको एक एक की सिद्ध करेंगे, एक एक की, ठीक है। तो हम देखेंगे एक एक की नियम, एक एक की, एक एक की सिद्ध करेंगे उसको। तो एक एक लिख लिया। अब देखो उसको कैसे सिद्ध करेंगे, हम इसकी डेफिनेशन ही लेके, इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो लेके चलेंगे। माना मेरे पास x1 और x2 दो एलिमेंट लिए मैंने, किसमें से? R प्रांत में से, कंटेन मैंने R में से दो एलिमेंट ले लिए, ठीक है। देन इंप्लाइज, अब इन दोनों एलिमेंटों की मैं इमेज बराबर लेके चलूंगा और इन एलिमेंटों को बराबर दर्शा दूंगा, तो फलन आपका क्या हो जाएगा? एक एक हो जाएगा। ये मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लगा रहा हूं, एक एक ही, ध्यान रखना। तो मैं यहां से क्या करूंगा, इन दोनों एलिमेंटों की इमेज बराबर लेके चलूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा? एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ठीक है। एक्स वन और एक्स टू दो एलिमेंट है, एफ एक्स की इमेज और एफ एक्स एक्स टू की इमेज दोनों बराबर ले ली मैंने। अब इसको हल करते हैं, क्या प्राप्त होता है? आगे देखो, अब x1 फलन में रख देंगे, तो यहां से प्राप्त हो जाएगा x1 की घात 3+2 बराबर, यहां फलन में x2 रख दो तो x2 की पावर 3+2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? नेक्स्ट ऑप्शन x1 की घात 3 बराबर x2 की घात 3, और इनका घनमूल निकालो, तो घनमूल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x1 बराबर x2। तो देखो हमने क्या किया, एक एक को सिद्ध करने के लिए माना हमने r, ये प्रांत में से लिए, ध्यान रखना, मैंने दो एलिमेंट लिए, दोनों एलिमेंटों की इमेज मैंने बराबर लेके चला और वो एलिमेंट आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। अतः है फलन f एक की, दैट्स क्लियर। और इसको अच्छी तरह लिखना, यहां पर लिख सकते हो फॉर ऑल x1 x2 कंटेन r, ये लिख सकते हैं। तो ये चीज हो गई आपकी एक एक। अब हमें सिद्ध करना है आच्छादक, ठीक है। तो आच्छादक सिद्ध करने के लिए देखो मैं लिख देता हूं आच्छादक। इसको सिद्ध करने के लिए देखो मैं क्या करता हूं, एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, वो समय सेट होता है। माना y कंटेन r क्या है? सेट प्रांत, y कंटेन r सेट प्रांत का पूर्व प्रतिबिंब माना y कंटेन r का पूर्व प्रतिबिंब x कंटेन r
आर कौन सा ट्रम हो तो क्या लिख सकता हूं, हो तो ये मान के चल रहा हूं, ध्यान रखना, हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, हो तो एफ एक्स बराबर वाई, ठीक है, एफ एक्स बराबर वाई लिख सकता हूं उसको, ठीक है। देन इंप्लाइज, अब देखो जाए एक्स एफ एक्स आपके पास क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है एक्स की घात तीन प्लस टू, तो देखो इसको लिख सकते हो हमें वाई बराबर एफ एक्स की जगह लिख दो इसको एक्स क्यूब प्लस टू, और इसको मैं लिख देता हूँ एक्स के पदों में, लिख दो इसको एक्स के पदों में, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स बराबर वाई माइनस टू की पावर वन अपॉन थ्री, ठीक है, एक्स के पदों में लिख दिया मैंने, कैसे लिखा, दो का पक्षांतर कर दिया तो वाई माइनस टू हो गया एक्स की घात तीन बराबर, और फिर इस तीन का भी मैंने पक्षांतर कर दिया तो उधर जाके क्या हो जाएगा, उसका घनमूल हो जाएगा, तो ये हो गया। अब ये क्या बात प्रूव करता है कि यहां से मैं वाई की कुछ भी वैल्यू लूं तो कम से कम हमारे पास एक्स की एक वैल्यू वास्तविक यहां से प्राप्त होगी, तो इसको मैं शब्दों में लिख दूं तो आपका अच्छा भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहां लिख रहा हूं इसको मैं ऊपर ऊपर, इसके आगे होगा, इसके आगे वाला पार्ट यहां लिख रहा हूं, देखो देन इंप्लाइज यहां से मैं क्या लिख दूंगा कि वाई के प्रत्येक मान के लिए एक्स का कम से कम एक वास्तविक, कम से कम एक वास्तविक मान प्राप्त होगा, कम से कम एक वास्तविक मान तो प्राप्त होगा अक्ष का यहां वाई के प्रत्येक मान के, ठीक है। तो ये बात क्या स्पष्ट करता है, ये स्पष्ट करता है देन इंप्लाइज, ये स्पष्ट करता है कि एफ फलन है, एफ आच्छादक है, ठीक है, फलन एफ क्या है, आच्छादक है, तो देन इंप्लाइज, तो आप लिख सकते हो परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप आप लिख सकते हो, परिणाम स्वरूप एफ एके की आच्छादक फलन है, दैट्स क्लियर, एफ आपका एके की आच्छादक फलन हो गया। ये तो हमारा यहां तक बात प्रूफ हुआ है अभी तक, समझ गए। अब देखो इसको मैं थोड़ा साफ करता हूं, इसका नेक्स्ट पार्ट बताता हूं कि एफ का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। अब देखो एफ एके के आच्छादक हो गया तो इसका प्रतिलोम फलन भी विद्यमान होगा, ये डेफिनेशन में पढ़ा था हमने, प्रतिलोम फलन की परिभाषा में पढ़ा था ना कि जब कोई फलन प्रतिलोम फलन कब होगा, जब वह एके के आच्छादक होगा, तो ये फलन हमारा एफ है वो एके के आच्छादक हो गया, इसका मतलब इसका प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट करेगा यहां पर, विद्यमान होगा। तो चलो इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं और यहां पर नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं इसका, तो यहां पर लिखेंगे अब नेक्स्ट, यहां तक हो गया इसका आगे वाला पार्ट, इसको मैं समझा रहा हूं, एफ एके की आच्छादक फलन है, आता है एफ का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, और किस प्रकार होगा, वो होगा एफ इनवर्स आर से अप, ठीक है, वो इस प्रकार से विद्यमान होगा, ठीक है। अब विद्यमान होगा तो इसका प्रतिलोम फलन क्या होगा वो भी हम निकाल के बताएंगे। तो देखो नाउ अब हम बात करते हैं इसका प्रतिलोम फलन कैसे निकाला जाता है, देखो इधर अब मैं लिखूंगा इसको, तो इसमें होगा तो नाउ अब मैं लिखूंगा एफ इनवर्स, एफ इनवर्स, एफ इनवर्स एक्स बराबर नहीं, एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स, ठीक है, इसकी प्री इमेज यहां से मैंने वाई एलिमेंट लिया और एफ इनवर्स की उसकी इमेज क्या आ गई, एक्स आ गई, ठीक है ना। अब देखो इसमें है ये फलन, अब यहां से मैं एलिमेंट लूंगा तो ये आपका
यहां पर तो सह प्रांत का काम कर रहा था एफ में तो, लेकिन इनवर्स में तो यहाँ प्रांत का काम करेगा। तो यहां से मैंने एलिमेंट लिया वाई और उसकी इमेज क्या दे रहा है एक्स दे रखा है, देन इंप्लाइज क्या होगा ये वाई बराबर एफ एक्स, समझ में आएगा ना क्योंकि एफ इनवर्स को इधर लेके आ जाऊंगा, देन इंप्लाइज वाई बराबर एफ एक्स कितना है वो लिख दो यहां पर एक्स की घात तीन प्लस टू, दैट्स क्लियर, एक्स की घात तीन प्लस टू, देन इंप्लाइज अब इसको मैं एक्स के पदों में ले लेता हूँ तो लिखो, अभी मैंने बताया था लिखना एक्स के पदों में, चलो मैं सिस्टम से लिख देता हूँ एक्स की घात तीन बराबर वाई माइनस टू और इसी को लिख सकता हूँ एक्स बराबर वाई माइनस टू की पावर वन अपॉन थ्री, पहले दो का पक्षांतर कर दिया फिर एक्स की घात तीन का पक्षांतर कर दिया, ठीक है तो एक्स बराबर आ गया वाई माइनस टू की पावर वन अपॉन थ्री और एक्स बराबर क्या है एफ इनवर्स वाई है, एफ इनवर्स वाई बराबर वाई माइनस टू की पावर वन अपॉन थ्री और इसका फाइनल सॉल्यूशन देखो क्या होगा, यहां से इसका फाइनल ये वाई के पदों में है और इनको मैं क्या लिख दूंगा एक्स के पदों में लिख दूंगा इनको, तो मैं लिख दूंगा वाई रिप्लेस एक्स, वाई रिप्लेस एक्स, तो देन इंप्लाइज इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा कि एफ इनवर्स y बराबर f इनवर्स से r किस प्रकार से परिभाषित होगा f इनवर्स x बराबर x माइनस टू की पावर वन अपॉन थ्री, ये हमारा प्रतिलोम फलन निकल के आ गया, ठीक है तो ये था हमारा पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर 9 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है धन्यवाद।